हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफिनिट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में ले आए हैं आपके लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर का थर्ड चैप्टर, जो कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में है, उसका पार्ट वन, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे ग्लासवेयर, हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ क्लॉथ, आइवरी क्राफ्टिंग, टेराकोटा क्राफ्ट्स, सिल्वर ज्वेलरी के बारे में। ओके, तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन। हैंडीक्राफ्ट्स आर एन एमल्गेशन ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर क्राफ्टेड बाय ए मैन और वुमेन्स हैंड्स। ओके, तो ये जो हैंडीक्राफ्ट्स है, उसका मतलब है कि बहुत सारे चीज़ को जो मिक्स करके जो बनाया जाता है, जिसको कि मैन और वुमेन जो है, पुरुष और स्त्री, इसको अपने हाथों से बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट। मैनी स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन हैंडीक्राफ्ट्स दैट रिफ्लेक्ट द स्किल एंड आर्टिस्टिक प्रोफिशिएंसी। तो हमारे देश में जो है, बहुत सारे राज्य हैं जो कि अपना अपना उनका खुद का जो हैंडीक्राफ्ट्स है, उसका उनको अपना जो अपना तरीका है उसको बनाने का, और उनके जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही दक्ष हैं, परफेक्ट है अपने अपने कामों में। ओके, आर्टिस्ट यूज क्रिएटेड वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स दैट माइट बी डेकोरेटिव और फंक्शनल। तो ये जो आर्टिस्ट है जो बनाते हैं, तो वो लोग बहुत ही अच्छे से बनाते हैं, इतने सुंदर से बनाते हैं। और क्या बनाते हैं, जो कि डेकोरेटिव मतलब सजाने के लिए बनाते हैं, या फिर यूजफुल जो कि घर में हम लोग यूज करते हैं उसके लिए बनाते हैं। दीज आर यूनिक काइंड ऑफ क्राफ्ट एंड एज दीज आइटम्स आर सोलोली हैंडमेड विदाउट द यूज ऑफ एनी मशीन। सम ऑफ द मेजर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया आर। तो ये जो है अपने आप में जो है यूनिक है, मतलब जो जिसको दूसरे से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, और जो हाथ में ही बनता है, जिसमें कोई भी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता, व्यवहार नहीं किया जाता। ओके, तो बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स जो हमारे सब राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के हैंडीक्राफ्ट होते हैं, उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। ग्लासवेयर। The first reference to glass making was found in the Indian epic महाभारत। तो हमारे जो महाभारत में जो ग्लास का जो है, कांच का जो व्यवहार जो है, यूज जो है, हमको महाभारत के टाइम से ही पता चलता है, जो कि हमारा जो बहुत एपिक है इंडियन महाभारत जो पुराण है, उसमें इसके बारे में हम संधान मिलता है। ओके, हाउएवर देयर इज नो मटेरियल एविडेंस ऑफ ग्लास बीड्स इन द अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन। मगर जो हरप्पन सिविलाइजेशन में जो है कांच का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, जो उपयोग होता था कि नहीं होता था कांच का, उसके बारे में कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। द फर्स्ट मटेरियल एविडेंस इज फाउंड इज ब्यूटिफुल ग्लास बीड्स फ्रॉम द पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। तो फर्स्ट टाइम जो ग्लास का जो यूज था वो है बीड्स, जो कि पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर में दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट। इन द वैदिक टेक्स्ट कॉल्ड सप्तपाठ ब्राह्मण द टर्म यूज फॉर ग्लास वाज कंच और काका। तो वैदिक जो उसमें वैदिक वेद में भी हमारा वैदिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है, जो सप्तपाठ करते थे, मतलब ब्राह्मण लोग जो सप्तपाठ करते थे, उसमें उन लोगों को जो का ग्लास का यूज किया जाता था, तो उसमें कंच और काका के नाम से उस टाइम में जाना जाता था। आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द ग्लास इंडस्ट्री हैज ऑल्सो बीन फाउंड इन द ब्रह्मपुरी एंड कोल्हापुर इन महाराष्ट्र व्हिच वाज ऑपरेशनल ड्यूरिंग 2 BC to 2 AD। तो ये जो आर्कोलॉजिकल सर्वे से पता चला है कि ब्रह्मपुरी और एंड कोल्हापुर इन महाराष्ट्र में है, ये जो है 2 BC से 2 AD तक यहाँ पर ग्लास का इंडस्ट्री था बोल के पता चला है। ओके, दिस प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड ग्लासवेयर कॉल्ड लेंटिकुलर बीड्स। ये जो ग्लास का जो इंडस्ट्री था वो ब्रह्मपुरी और कोल्हापुर जो महाराष्ट्र में है, तो वो लोग स्पेशल ग्लासवेयर बनाते थे, जो उसको लेंटिकुलर बीड्स के नाम से जाना जाता था। द रेफरेंस ऑफ स्पेक्टेकल्स हैज ऑल्सो बीन फाउंड इन द संस्कृत टेक्स्ट व्यासो योगचरित। तो
कांच का जो है चश्मा जो हम लोग आज के दिन में यूज करते हैं उसके बारे में भी संस्कृत जो लेखा में पता चला है, जिस जो कि व्यासो योगचरित्र में हमको देखने को मिलता है। इन द साउदर्न पार्ट वी फाइंड द एविडेंस ऑफ ग्लास एट मास्की व्हिच इज चालकोलिथिक साइट इन डेक्कन। तो साउदर्न पार्ट में भी जो है चालकोलिथिक साइट में टाइम में भी ये ग्लास का यूज होता था बल्कि पता चला है, जिसको मस्की के नाम से मस्की में एट मस्की इसको देखा गया है बल्कि माना जाता है। अदर साइट्स वेयर वी कैन फाइंड द एविडेंस ऑफ ग्लास आर अहर जो कि राजस्थान में है, हस्तिनापुर एंड अही चरित्र यूपी, ईरान एंड उज्जैन एमपी में जो है। ओके, यहाँ पर सब ग्लास का एविडेंस मिला है, प्रमाण मिला है। ड्यूरिंग द मिडेवल पीरियड मुगल पेट्रोनाइज द आर्ट ऑफ ग्लासवेयर एंड यूज इट फॉर डेकोरेशन इन देयर मोनूमेंट्स लाइक शीश महल। ये हम लोग शीश महल का देख सकते हैं कितना सुंदर कांच का बना हुआ है, कि मतलब कांच का भरपूर उपयोग जो है यहाँ पे किया गया है। इसका नाम भी इसी हिसाब से शीश महल भी दिया गया है। तो ये मुगल के टाइम में हम उसका बहुत ही उपयोग होता था, जो कि डेकोरेशन के लिए ज़्यादातर यूज करा जाता था मोनूमेंट्स के में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अदर ग्लास आइटम्स इंक्लूडेड ग्लास हॉकर्स, परफ्यूम बॉक्सेस और इतरदंस एंड एनग्रेव्ड ग्लासेस। तो और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए इसको उपयोग किया जाता था, जैसे ग्लास हॉकर्स, परफ्यूम बॉक्सेस और इतरदंस और एनग्रेव्ड ग्लासेस के। ओके, करेंटली द ग्लास इंडस्ट्री हैज मेनी फैसेट्स बट द मोस्ट फेमस वन इज ऑफ ग्लास बैंगल्स। तो आजकल ग्लास का जो है कांच का है बहुत सारे उसका जो उपयोग होता है बहुत सारी जगह में, बहुत सारे तरीके से इसको जो है यूज किया जाता है, मगर सबसे ज़्यादा जो है ग्लास बैंगल्स जो चूड़ियों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। द मोस्ट एग्जीक्यूट साइट वंस मेड इन हैदराबाद एंड आर कॉल्ड चूरी का जोड़ास, जो कि सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है हैदराबाद में, जहाँ पे बनाया जाता है चूरी का जोड़ास। तो हैदराबाद में जो है सबसे सुंदर चूड़ी जो बनाया जाता है उसको चूरी का जोड़ास बोल के जाना जाता है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास चंडेलियर्स एंड अदर डेकोरेटिव पीसेस। फिरोजाबाद में भी जो है बहुत सुंदर सुंदर ग्लास का चीज़ें बनाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितना सुंदर जो है चंडेलियर्स है, और जो कि फिरोजाबाद जो जिसके लिए फेमस है, और ये जो चंडेलियर्स जो है वो डेकोरेशन के घर के डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है, घर में और होटल में। ओके, अनदर सेंटर फॉर ग्लास इज यूपी इज सहारनपुर दैट प्रोड्यूसेस पंचकोरा और ग्लास टॉयज। तो यूपी में जो सहारनपुर जो है ये जो ग्लास का जो ये बनाता है टॉयज बनाता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना सुंदर ग्लास का टॉयज है, इसको जो बोलते हैं पंचकोरा। ओके, ग्लास टॉयज मतलब पंचकोरा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली पटना बिहार ऑल्सो प्रोड्यूसर डेकोरेटिव ग्लास बीड्स कॉल टिकुली। तो बिहार और पटना में जो ग्लास का बीड्स बनाया जाता है उसको टिकुली बोल के जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट। दिस क्राफ्ट हैज बीन लॉस्ट इन दैट कॉरिडोर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आजकल जो इंडस्ट्री जो आ गया है और उसके लिए जो ये जो अपना जो इसका अस्तित्व जो है खोने को बैठा है। ओके, हाउएवर इट इज स्टिल ओन बाय द संथाल ट्राइब ऑफ बिहार। तो अभी भी जो फिर भी इसको जिंदा रखे हुए हैं जो संथाल ट्राइब है जो बिहार के हैं, उन्होंने अभी भी इसको अभी तक बचाए रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट। हैंडीक्राफ्ट एंड क्लॉथ। तो हैंडीक्राफ्ट में भी बहुत सारे सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट देखने को मिलता है, तो चलिए देखते हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट टेक्निक दैट आर यूज ऑन क्लॉथ लाइक वेविंग एंड प्रिंटिंग। तो बहुत सारे जो है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हैंडीक्राफ्ट जो कपड़ों के ऊपर किया जाता है, जो इसका दो टेक्निक है, एक है वेविंग और प्रिंटिंग। ओके,
One of the most important art is of bandhani or bundel bandage that is referred to as the technique of tie and dye in English. तो और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बंधने और बंधिस जो कि टाई एंड डाई भी इसको कहा जाता है. देयर इज एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ द दिस एंशियंट टेक्निक्स इवन प्रेजेंटली इन राजस्थान एंड गुजरात. तो अभी तक प्रमाण मिला है कि जो राजस्थान और गुजरात में है जो अभी तक एंशियंट पुराने तरीके से ही इसको बनाया जाता है. इट इज़ पॉपुलर इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ऑल्सो. ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी बहुत ही प्रसिद्ध है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्ट डाइंग प्रोसेस वेयर द प्रोपोर्शंस डाइड डू नॉट टेक ऑन द कलर इन व्हिच द फैब्रिक इज डिप्ड. तो इसको रेजिस्ट डाइड कहा जाता है क्योंकि ये बांध के इसको डिजाइन कलर किया जाता है. जिस भी हिस्से को बांधा हुआ होता है वहाँ पर जो है कलर नहीं होता. ओके, तो इसलिए इसको कहा जाता है रेजिस्ट डाइंग प्रोसेस. ओके, ए स्पेशल काइंड ऑफ टाई एंड डाई दैट लीड्स टू रिपेल और वेव लाइक पैटर्न्स इन द फैब्रिक इज कॉल्ड लहरिया. तो वह एक जो स्पेशल टाइप है जिस स्टाइल से इसको बनाया जाता है कलर किया जाता है बुनाई करके उसको कलर किया जाता है उस पैटर्न को उसके फैब्रिक कलरिंग को और उसके वेविंग को बुनाई को लहरिया कहते हैं. ओके, दिस इज यूजली मेड इन जयपुर एंड जोधपुर. ये जो लहरिया स्टाइल जो है जोधपुर और जयपुर में देखने को मिलता है. Another type of tie and dye is called ikat. The major centers for this work are Telangana, Odisha, Gujarat and Andhra Pradesh. और एक स्टाइल जो है ikat बोल के जाना जाता है जिसको ये ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है तेलंगाना उड़ीसा गुजरात आंध्र प्रदेश में इसको इस टेक्निक को यूज किया जाता है. नेक्स्ट, Another process used since the ancient times are kalamkari, which utilized the art of hand painted painting on fabric using vegetables dyes of the deep color commonly practiced in Andhra Pradesh. तो और एक स्टाइल जो है कलमकरी इसको के नाम से जाना जाता है जो कि हाथ में पेंटिंग और फैब्रिक को यूज करके किया जाता है. खासकर इसमें जो है पेन का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इसको कलमकरी बोल के भी कहा जाता है. और ये जो है वेजिटेबल डाइस इसमें कलर जो यूज किया जाता है और ऑफ द डीप कलर कॉमनली प्रैक्टिस इन ए आंध्र प्रदेश. ये ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में इस स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है. Another beautiful technique of fabric decoration is called batik art, in which one end of the fabric is permitted and with molten wax and then dyed in gold. तो ये जो और एक फेमस डिजाइन जो है batik art बोल के उसको जाना जाता है जो कि ये molten एक साइड से जो है molten wax को दे के उसके बाद इसको कलर किया जाता है और ठंडे में पानी में इसको ठंडे में रखा जाता है. ओके, बाटिक आर्ट इज फेमस इन मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. ये जो बाटिक आर्ट जो है ये मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में फेमस है. सम टेक्निक्स एंड फैब्रिक पैटर्न कैम टू इंडिया फ्रॉम अबॉर्ड बाय ट्रेड रूट्स. तो कुछ टेक्निक जो है हमारे देश में बाहर से भी आया है जो कि बिजनेस के पर्पजेस में जो बाहर को हमारे बिजनेसमैन जाते थे और वहाँ से बिजनेसमैन यहाँ आते थे वहाँ से इसको ये भी आया है. और उसका एग्जांपल एक है टंचोय वेविंग इज सेड टू बी डिराइव फ्रॉम चाइनीज इंस्पिरेशन. तो ये जो टंचोय जो वेविंग जो है बुनाई जो है वो चाइनीज से लिया गया है बल्कि माना जाता है. दिस माइट हैव कम टू सूरत इन गुजरात बाय द ट्रेडिंग. तो ये जाना सोचा जाता है जो ये सूरत जो कि गुजरात में और वहाँ पर ट्रेडिंग जो किया जाता है बिजनेस के लिए दूसरे तरफ जाते हैं जो दूसरे देश के साथ होता है वहाँ से आया था पहले बल्कि माना जाता है. दिस रिजेंबल्स ए फाइन मिनीचर पेंटिंग. इसमें जो है बहुत सुंदर मिनीचर पेंटिंग का जो देखने को मिलता है इस्तेमाल. अनदर एंशियंट आर्ट इज ऑफ जामदानी वेस्ट बंगाल दैट वेवर्स मसलिन विथ अपैक पैटर्न्स ऑन ए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड.
और एक जो स्टाइल है जामदानी, जिसके जिसको जामदानी कहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में फेमस है, जो कि मुस्लिम वेब्स मुस्लिम विथ अपेक्यू पैटर्न, जिसको इस तरह से बनाया जाता है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, उसका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट होता है। ओके नेक्स्ट, ये कुछ ट्रेडिशनल रीजनल साड़ी ऑफ इंडिया है। ओके नेम, उसका कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, उसका डिटेल, पच्चमपल्ली आंध्र प्रदेश, सिल्क एंड कॉटन साड़ी विथ इंट्रिकेट मोटिव्स एंड ज्योमेट्रिक इक्कत स्टाइल ऑफ डाइंग, एयर इंडिया एयरलाइंस क्रू वेयर दिस साड़ी। ये जो पोचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश में जो है इसका ज़्यादातर इस्तेमाल देखने को मिलता है, जो कि सिल्क एंड कॉटन साड़ी है, जो कि इसका मूल भाव जो है मूल भाव जो सिल्क एंड कॉटन है, और ज्योमेट्रिक इक्कत स्टाइल ऑफ डाइंग है इसका। ओके इसको जो है एयर इंडिया लेंस में जो क्रियो है वो इस तरह की साड़ी पहनते हैं। ओके देखने को मिलता है। पटोला, ये जो पटोला जो है वो पटन गुजरात में फेमस है। ये जो है रिच हैंडलूम साड़ी है। ओके जो हाथ से बुनाई किया जाता है। बालूचरी मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, ये बालूचरी जो है ये जो है मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में फेमस है। ये जो डेपिक्स एंशियंट स्टोरीज ऑन इट्स बॉर्डर एंड पल्लू सिल्क थ्रेड्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड, इसमें जो सिल्क धागे का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो पल्लू में जो है एंशियंट जो है पुराने प्राचीन काल के जो भी स्टोरी है उसका जो है इसमें पल्लू में डिजाइन किया जाता है। जामदानी जो कि वेस्ट बंगाल में फेमस है, फाइनेस्ट मसलिन विथ अपैक पैटर्न ओवन ऑन ए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो ये जो है बहुत ही जो सुंदर डिजाइन जो हम लोगों ने भी पढ़ा, ये जो है अपैक पैटर्न का बुनाई जाता है, बुनाई करा जाता है, जो कि बैकग्राउंड उसका जो है ट्रांसपेरेंट रहता है। ओके तंचोई ब्रोकेट्स वाराणसी, ये जो है काइंड ऑफ वाराणसी साड़ी वेयर वेविंग टेक्निक्स इन्वॉल्व्स ए सिंगल और डबल रैप एंड 2 to 5 कलर्स ऑन द वेफ्ट ऑन सिल्क फैब्रिक। ये जो है वाराणसी साड़ी जो है ये इसमें जो टेक्निक यूज किया जाता है, ये डबल 2 बार इसको रैप किया जाता है और 2 से 5 कलर का इसमें जो है इस्तेमाल किया जाता है। ओके नेक्स्ट, चांदेरी, चांदेरी जो है मध्य प्रदेश में फेमस है। ये जो है सिल्क जरी एंड कॉटन ओवन टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक दैट इज लाइटर देन फीदर, इट इज ए सी थ्रो साड़ी। तो ये जो है जरी सिल्क और कॉटन का जो इसमें ज़्यादा जो बुनाई इसमें किया जाता है मिक्स करके, और ये जो बहुत ही हल्का होता है जो हम लोग फीदर के जैसे इसका बहुत हल्का होता है, और इसको जो हम लोग साड़ी के से भी दूसरी तरफ उसको देख सकते हैं, इसे ऐसे टाइप का होता है। इक्का कर्नाटका में फेमस है, यूज ऑफ कसूटी एम्ब्रॉयडरी विथ चेरोइड एंड एलिफेंट एज कॉमन मोटिव्स। ये जो है कसूटी एम्ब्रॉयडरीज में किया जाता है, और इसमें जो है चेरोइड एंड एलिफेंट इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो कि पिक्चराइज किया जाता है ज़्यादातर साड़ी में। ओके नेक्स्ट, टेंट वेस्ट बंगाल में फेमस है, क्रिस्प कटर प्रिंटेड साड़ी। नवरी महाराष्ट्र में फेमस है, ए सिंगल लाइन ईयर साड़ी ऑल्सो नॉन एज कष्ट साड़ी। ओके बोमकाई जो कि ओडिशा में फेमस है, सिल्क एंड कॉटन साड़ी विथ इक्कत एम्ब्रॉयडरी एंड इंट्रिकेट थ्रेड वर्क। इसमें जो ये बंकोई पाटों के नाम से भी हमारे उड़ीसा में इसको जाना जाता है, और ये जो है इक्कत एम्ब्रॉयडरी इसमें विथ ये जो इक्कत है और एम्ब्रॉयडरी और इंट्रिकेट विथ थ्रेड वर्क, इसमें जो धागे से बुनाई किया जाता है। कोनराड जो कि तमिलनाडु फेमस है, फैब्रिक यूजली हैज आइदर स्ट्राइप्स और चेक्स एंड ए वाइड बॉर्डर एंड विथ मोटिव्स ऑफ एनिमल्स एंड नेचुरल एलिमेंट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए टेम्पल साड़ी।
इसमें ये जो कर्नाट जो तमिलनाडु का जो फेमस साड़ी है इसमें जो है स्ट्राइप्स का स्ट्राइप होता है साड़ी में या फिर चेक्स होता है ओके और इसका जो बॉर्डर होता है बहुत वाइड होता है चौड़ा होता है और इसमें जो भी पिक्चर में चित्रण किया जाता है वो ज़्यादातर एनिमल और नेचुरल जो है नेचर में हम लोगों को देखने मिलता है उसके ऊपर बनाया जाता है और इसको टेम्पल साड़ी के नाम से भी जाना जाता है ओके उसके बाद आया कोसा छत्तीसगढ़ में फेमस है ये सिल्क साड़ी कोसा सिल्क साड़ी के नाम से जाना जाता है पैथानी महाराष्ट्र सिल्क साड़ी एम्ब्रॉयडर्ड विथ गोल्ड कलर थ्रेड एंड यूज ऑफ पैरोट एज मोथिफ ये जो महाराष्ट्र में पैठानी जो साड़ी है ये जो है ज़्यादातर गोल्ड कलर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है गोल्ड कलर धागे का और इसमें ज़्यादातर जो है तोते का ही चित्रण किया जाता है ओके कलमकारी आंध्र प्रदेश यूज ऑफ पेन फॉर पेंटिंग डिजाइंस तो ये जो कलमकारी जो है इसमें जो डिजाइन करने के लिए ये आंध्र प्रदेश में फेमस है और ये इसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा ना ये जो डिजाइन करने के लिए इसमें पेन का इस्तेमाल किया जाता है ओके कसबू केरला साड़ी कैरेक्टराइज बाय थिक गोल्डन बॉर्डर ये जो साड़ी है ये थिक गोल्डन कलर इसमें जो है इस्तेमाल किया जाता है ओके डाबू चित्तौड़गढ़ राजस्थान डाबू इज एन एंशियंट मॉड रेजिस्ट हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक यूज्ड ऑन कॉटन फैब्रिक ये जो है मॉड रेजिस्ट हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है जो कि कॉटन फैब्रिक इसमें टेक्निक का यूज किया जाता है यूज ऑन डाबू इज एन एंशियंट मॉड रेजिस्ट हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक यूज ऑन कॉटन फैब्रिक तो ये कॉटन फैब्रिक में इस्तेमाल करा जाता है और इसको मॉड रेजिस्ट हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से टेक्निक के नाम से जाना जाता है तो ये हो गया साड़ी के बारे में अभी देखते हैं आइवरी क्राफ्टिंग जो कि हाथी के दांत से बनाया गया जो भी क्राफ्ट्स है ओके द प्रैक्टिस ऑफ आइवरी कार्विंग हैज बीन प्रीविलेंट इन इंडिया सिंस द वैदिक पीरियड वेयर इट वॉज रेफर्ड टू एज दंत एज सिग्निफिकेंस टू द एलिफेंट टस्क व्हिच वॉज द सोर्स ऑफ आइवरी तो हमारे जो ये प्राचीन काल में इस काल से ही हाथी के दांत का जो व्यवहार है यूज है किया जाता था बल्कि पता चला है जो जो कि वैदिक पीरियड में इसका जो नाम जो है दांत के नाम से इसको जाना जाता था जिससे पता चलता है कि उस टाइम से हाथी के दांत का भी इस्तेमाल किया जाता था ड्यूरिंग द हरप्पन पीरियड आइवरी एंड ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आइवरी वेयर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ पर्शियन गल्फ तो हरप्पन के टाइम से ही जो हाथी के दांत का जो है एक्सपोर्ट किया जाता था बाहर को लेके इसको बेचा जाता था कहाँ कहाँ पर तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान और पर्शियन गल्फ में ओके नेक्स्ट Archaeological remains of an ivory comb from Taxila has also been found which shows ivory was in vogue even in 2 AD. तो archaeological जो खुदाई है उसमें भी जो है ivory का हाथी के दांत का जो कंगी है मिला था कहाँ से Taxila में ओके और जिससे पता चलता है कि ये 2 AD में इसका इस्तेमाल होता था ओके वी मे फाइंड ivory artifacts from मुगल पीरियड दैट यूजेस इट फॉर कॉम्स ड्रैगर्स हैंडल्स एंड इन अदर ऑर्नामेंट्स तो मुगल के टाइम में भी इसको इसका जो है व्यवहार किया जाता था इस्तेमाल किया जाता था बल्कि पता चला है जो कि कंघी के हिसाब से ड्रैगर्स हैंडल्स के हिसाब से और दूसरे ऑर्नामेंट के हिसाब से भी इसको इस्तेमाल किया जाता था The traditional centers of for carving of ivory are Delhi, Jaipur and parts of West Bengal. ज़्यादातर कहाँ पर इसका इस्तेमाल देखा गया है Delhi, Jaipur और जो है West Bengal में ओके They have produced beautiful objects of art, cascades, palanquin and the famous Ambari Hathi. Other specialists are. तो इसमें जो जो बनाया जाता था कैस्केट बनाया जाता था ओके आर्ट भी करा जाता था पलंग क्वीन बनाया जाता था
और अंबरी हाथी का जो है बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता था। स्पेशलिस्ट आर एरिया चार केरला जो कि वेल नोन फॉर पेंटिंग ऑन आइवरी, ये जो आइवरी पेंटिंग यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसके लिए केरला फेमस है। जोधपुर जो कि बेंगल्स मेड ऑफ आइवरी, तो ये जो बेंगल्स आइवरी या बेंगल्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए जोधपुर फेमस है। जयपुर फेमस फॉर इट्स आइवरी जाली वर्क्स यूज इन होम्स एंड स्मॉल आर्ट ऑब्जेक्ट्स, तो घर में जो खिड़कियाँ हैं और दूसरी जगह पर जो है डिजाइन करने के लिए और सुंदर सुंदर चीज़ें करके डेकोरेट करने के लिए जयपुर जो फेमस है। नेक्स्ट टेराकोटा क्राफ्ट, जो ये टेराकोटा क्राफ्ट है ये तो बहुत ही फेमस है, इसको घर घर में सभी जानते हैं। टेराकोटा लिटरली मीन्स बेक्ड अर्थ, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है जो जला के मिट्टी को जला के बना जाता है। एंड इज ए टाइप ऑफ सिरामिक क्ले दैट हैज बीन सेमीफायर्ड, तो ये जो एक सिरामिक क्ले है जिसको आधा जलाया जाता है। दिस प्रोसेस मेक्स इट वाटर प्रूफ, इसको आधा तक जब जलाया जाता है तो ये पानी में और डालने से नहीं गीला होता जो कि गलता नहीं है, तो ये वाटर प्रूफ बन जाता है और हार्ड भी बन जाता है। व्हिच मेक्स इट परफेक्ट फॉर यूज इन स्कल्प्टिंग एंड आर्किटेक्चरल एडिफिक्स, तो ये इसको आधा जलाने से जो है इसमें जो है स्कल्प्टिंग स्कल्पचर बनाने के लिए और आर्किटेक्चरल भी कुछ भी डिजाइन बनाने के लिए ये काम में आता है। इट हैज ऑल्सो बीन यूज टू मेक पॉटरी एंड ब्रिक्स, इसको पॉटरी और ब्रिक्स में भी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ टेराकोटा क्राफ्ट्समैनशिप इज बंकुरा हॉर्स, तो इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल जो है ये बंकुरा हॉर्स, द पंचमुरा हॉर्स एंड द टेराकोटा टेम्पल्स सिचुएटेड इन बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सब जो है एग्जाम्पल है टेराकोटा क्राफ्ट का। फ्रॉम द एंशियंट पाला पीरियड द बुद्धिस्ट विहारज आर द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ टेराकोटा आर्ट इन इंडिया, तो पुराने काल में जो है पाला पीरियड में बुद्धिस्ट जो विहार होता था जहाँ पर वो लोग रहते थे तो वहाँ पर भी टेराकोटा का जो है डिजाइन देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं, चलिए सिल्वर ज्वेलरी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेक्निक यूज बाय सिल्वर ज्वेलरी आर्टिस्ट इज कॉल्ड फिलीग्री वर्क, तो जो फेमस जो है प्रसिद्ध है सिल्वर ज्वेलरी के लिए आर्टिस्ट के लिए इसको जो कहा जाता है फिलग्री वर्क के लिए इसको जाना जाता है। ओडिशा इज वेल नोन फॉर इट्स सिल्वर एंकलेट्स कॉल्ड पंजरी एंड पंचम पायजम, ओके, तो ये जो हमारा ओडिशा जो है इसमें फेमस है जो कि सिल्वर एंकलेट्स बनाता है और पैन और एंकलेट्स को जो है पंजरी और पंजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दे हैव यूनिक निटेड ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ सिल्वर कॉल्ड गुंची, और यहाँ पर जो है यूनिक सिल्वर का जो बनाया जाता है इसको गुंची के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट द बिद्री वर्क डॉन इन बिद्री विलेज ऑफ कर्नाटका इज वेरी फेमस, जो बिद्री वर्क जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है बिद्री विलेज में जो कि कर्नाटका में है। ओके, इट यूजेस सिल्वर टू क्रिएट इनले वर्क अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, दिस क्रिएट्स एन एलुसिव एंड स्टार्क कंट्रास्ट फॉर द शाइनिंग सिल्वर वर्क, तो ये चांदी का वर्क जो है ये इसमें जो है डार्क बैकग्राउंड रहता है और ये इतना सुंदर होता है कि कोई भी देखने से भी इसको मुग्ध हो जाएगा, और ये जो शाइनिंग सिल्वर वर्क भी इसमें देखने को मिलता है, मतलब जो भी सिल्वर का ऑर्नामेंट बनाया जाता है वो इसका बैकग्राउंड जो है ब्लैक रहता है और ऊपर जो है वो शाइनिंग देता रहता है। ओके, क्ले एंड पॉटरी वर्क्स, पॉटरी हैज बीन नोन एज द लिरिक ऑफ हैंडीक्राफ्ट एज इट इज मोल्डेड लाइक ए पोएटिक कंपोजिशन एंड हैज ए सेंसुअल अपील टू द सेंसेस, तो पॉटरी जो है ये इसमें जो लिरिक जो हैंडीक्राफ्ट्स का जो हैंडीक्राफ्ट्स को अगर हम पोएम के हिसाब से बोले तो उसको पॉटरी बोल सकते हैं। ओके, और ये जो है
poetic composition has sensual appeal to the sense. जो poem से poem के हिसाब से appeal किया जाता है कि इसको pottery के नाम से जाना जाए, जो कि handicrafts का ही एक दूसरा नाम है. The earliest evidence has been found in the Neolithic site of Mehrgarh, now in Pakistan. तो ये जो क्ले और क्ले एंड पॉटरी का जो संधान जो मिला था वो नेलिथिक साइट में के टाइम में मिला था, जो कि मेहरगढ़ में देखने को मिला था, जो कि अभी पाकिस्तान में है. ओके, नेक्स्ट. द मोस्ट फेमस पॉटरी फ्रॉम द एंशियंट पीरियड इज द पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, व्हिच इज टाइपिकली ग्रे इन कलर एंड इज रिलेटेड टू द वैदिक पीरियड. तो ये फेमस पॉटरी जो है एंशियंट टाइम में जो देखने को मिला था वो है पेंटेड ग्रे पॉटरी, ग्रे वेयर पॉटरी. ओके, तो ये जो उसमें जो है ग्रे कलर का ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है, और ये जो है वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है 1500 to 600 BC में देखने को मिला था ये. नेक्स्ट. इन सम पार्ट्स वी फाइंड एविडेंस ऑफ रेड एंड ब्लैक पॉटरी, दीज वेयर फाउंड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितना सुंदर रेड एंड ब्लैक पॉटरी जो है, और ये जो है वेस्ट बंगाल में ही ज़्यादातर देखने को मिला है. ओके, अनदर टाइप ऑफ एंशियंट पॉटरी वॉज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, व्हिच वॉज मेड इन टू फेजेस, फर्स्ट 700 to 400 BC एंड नेक्स्ट ड्यूरिंग 400 to 100 BC. तो दूसरा भी और जो है स्टाइल देखने को मिलता है, जो कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जाना जाता है, और इसको जो है दो टाइम में बनाया गया था. एक जो है 700 to 400 BC में बनाया गया था बोल के माना जाता है, और दूसरा जो है 400 to 100 BC में इसका देखने को मिलता है. द फेजेस पर्सनली कंसिडर्ड विद इन द मौर्यन पीरियड. तो इसको पहले जो है मौर्यन पीरियड में जो है देखने को मिला था, स्टार्ट किया गया था बोल के माना जाता है. इन द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया वी फाइंड द रेमिनेंट्स ऑफ रेलोट पॉटरी डेटेड 200 to 100 BC. साउदर्न पार्ट्स में जो है रावलेट पॉटरी को देखने को मिलता है, जो कि 200 to 100 BC के अंदर देखने को मिला था. मोस्ट ऑफ एविडेंस हैज बीन फाउंड फ्रॉम अरिकामेडू नियर पुडुचेरी. तो बहुत सारे जो कि प्रमाण मिले हैं जो कि अरिकामेडू में देखने को मिला था, जो कि नियर पुडुचेरी में है. ओके, आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता पीरियड 300 to 600 AD वी फाइंड न्यूअर डेकोरेटिव टेक्निक्स लाइक एम्बेलिशमेंट पेंटिंग स्टैम्पिंग एंड मोल्डिंग. तो गुप्ता इसकी जो बिगिनिंग में तो न्यूअर डेकोरेटिव टेक्निक एक आया था लाइक जो है लाइक एम्बेलिशमेंट्स पेंटिंग्स स्टैम्पिंग एंड मोल्डिंग, ये सब जो है किया जाता था गुप्ता के पीरियड में. विद द कमिंग ऑफ इंडो इस्लामिक ट्रेडिशन वी फाइंड एविडेंसेस ऑफ ग्लेज़्ड पॉटरी. तो इस्लामिक ट्रेडिशन जब हमारे यहाँ पर शुरू हुआ तो ग्लेज़्ड पॉटरी का भी शुरुआत हुआ था. नेक्स्ट. नेम ऑफ पॉटरी प्लेस ऑरिजिन ऑफ और प्लेस ऑफ ऑरिजिन फीचर्स. फुर्जा पॉटरी यूपी में देखने को मिलता है, जो कि कलरफुल एंड स्टडी यूज टू मेक हाउस होल्ड आइटम्स. ये जो है कलरफुल होता है, जो कि घर में इस्तेमाल किए जाने चीज़ों के ऊपर चीज़ें बनाई जाती हैं. ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ यूपी. ब्लैक पॉटरी जो है आजमगढ़ और यूपी में देखने को मिलता है, ये स्पेशल डार्क टिंट है. ग्लेज टाइल्स चुनार एंड चिन्हट स्पेशल टेक्निक ऑफ ग्लेजिंग. ब्लू पॉटरी जयपुर मेड ऑफ मुल्तानी मिट्टी. जो ब्लू पॉटरी जयपुर में देखने को मिलता है ये मुल्तानी मिट्टी से बनाया जाता है. कागजी पॉटरी अलवर डेलिकेट पॉटरी विथ एंड स्लाइटली ब्रिटल. तो ये जो है कागजी पॉटरी जो अलवर में देखने को मिलता है, जो कि पॉटरी थिन एंड स्लाइटली ब्रिटल है. पोखरन पॉटरी पोखरन यूज फॉर हाउसहोल्ड आइटम्स. ये जो पोखरन पॉटरी जो है घर में इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है. नेक्स्ट. डलगेट जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है स्पेशल ग्लेस यूज. करीगारी पॉटरी तमिलनाडु में देखने को मिलता है स्पेशल सेंटर इन साउथ एरकॉट. सूरत वेस्ट बंगाल कमन जिगवर. ब्लैक पॉटरी सुराई जो ईस्ट वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, जो कि कॉमन जगवर है. ठीक है. ब्लैक पॉटरी उखरूल
और मणिपुर जिसको जो हम बोलते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है, स्पेशल ब्लैक टिंट इन द ग्रेज, गोपी चंदन सौराष्ट्र, आर्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ क्ले। तो ये गोपी चंदन जो है सौराष्ट्र में देखने को मिलता है जो कि क्ले का ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट ब्रोंज क्राफ्ट्स। इन एंशियंट इंडिया मेटल वेयर यूज फॉर स्पेयर्स एंड एरोज मोर देन दे वेयर यूज फॉर आर्ट। तो मेटल जो है या जो है एंशियंट टाइम में भी इसका यूज किया जाता था, मगर जो है क्राफ्ट के हिसाब से ज़्यादा नहीं यूज किया जाता था। इसको एरो बनाने के लिए ज़्यादातर बनाया यूज किया जाता था। येट मेटल कास्टिंग हैज़ बीन यूजफुल फॉर क्राफ्ट्समैनशिप फॉर मोर देन 5000 ईयर्स। तो अभी भी जो है 5000 साल के बाद भी जो है मेटल का जो है यूज इस्तेमाल कुछ कम नहीं हुआ है। ओके, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म इज अ ब्रोंज वर्क एज एविडेंस बाय द ब्रोंज स्टैटस ऑफ डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदड़ो। तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मोहनजोदड़ो में जो एक डांसिंग गर्ल का संदर्भ मिला था, ये वो है मेटल ब्रोंज क्राफ्ट का भी एक एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट द अर्लिएस्ट लिटरेरी एविडेंस अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कास्टिंग कैन बी फाउंड इन मत्स्य पुराण। तो सबसे पहले जो इसका प्रमाण मिलता है कि वो है मत्स्य पुराण में इसका होने का प्रमाण मिलता है। लेटर टेस्ट लाइक नागार्जुन रासरत्नकर आल्सो मेंशन अबाउट मेटल प्योरिटी एंड डिस्टिलेशन ऑफ जोन। तो इसमें भी जो है मेटल का पहले से इस्तेमाल है बल्कि देखने को मिलता है। एमंग द ब्रोंज क्राफ्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज उत्तर प्रदेश टेक्स प्रेसिडेंस। इट हैज मेजर रीसेंट लाइक एटावा, सीतापुर, वाराणसी एंड मुरादाबाद। तो ये जो जगह है इसमें इस जगह में ज़्यादातर हम लोग को ब्रोंज का होने का पता संदर्भ मिलता है। दे प्रोड्यूस डेकोरेटिव आइटम्स लाइक फ्लावर पॉट्स, इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो उस टाइम में जो भी बनाया जाता था लाइक जो फ्लावर पॉट बनाया जाता था, इमेजेस ऑफ गॉड्स भगवान का जो इमेज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे भी बनाया जाता था, और जो गॉड्स एंड गॉडेसेस का जो इमेज बनाया जाता था। दे आर ऑल्सो फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग रिचुअल ऑब्जेक्ट्स लाइक ताम्रपत्र, पंचतल एंड पंचपात्र। ये सब बनाने के लिए भी ब्रोंज क्राफ्ट फेमस है। अनदर मेजर सेंटर इज तमिलनाडु व्हिच फोकसेस ऑन प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल एंशियंट स्टेटस रिजेम्बलिंग द आर्ट फ्रॉम पल्लव, चोलो, पांड्यन एंड नायकस। तो यहाँ पे पुराने काल से जो पल्लव थे, चोलो थे, पांड्यन थे और नायक थे उस टाइम से जो है इसका यूज किया जाता है, उनके माना जाता है। नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ ब्रास वर्क आर गुजरात गज तांडव शिव डांसिंग इन द तांडव पोजिशन। ये जो है केरला में फेमस है। रेयर जैन इमेजिनरी एंड आइकॉन्स रिफ्लेक्ट द नीड ऑफ एंशियंट जैन पिलग्रिम सेंटर्स इन कर्नाटका, जो कि कर्नाटका में है। डोकरा कास्टिंग यूज फॉर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ ब्रश, ये जो है ओडिशा और वेस्ट बंगाल में फेमस है। पहलदार लैम्प्स कॉपर एंड ब्रास लैम्प्स इन डिफरेंट स्टाइल्स एंड शेप्स जयपुर एंड पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। पंबर्थी क्राफ्ट एक्सक्यूसाइड सीट मेटल ब्रासा आर्ट टू एडॉन चैरियट्स एंड टेम्पल्स, ये जो है वारंगल डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में फेमस है। तो ये सब हो गया हमारा जो क्राफ्ट का कुछ डिस्कशंस। तो हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में और कुछ जो है रह गया है उसको लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर हम लोग आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो नोटिफिकेशन है आपको आता रहेगा और हमारे न्यू वीडियो के अपलोड के बारे में आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो हमारे दूसरे वीडियो आने के तक थैंक यू। दूसरे वीडियो आने तक टिल देन बाय।
Thank you.